इतनी मांगे आ गई, आप सबकी मांग भर दीजिए। सुरेंद्र शर्मा के होते ये काम मैं नहीं कर सकता। ये उनका विशेषाधिकार है। मैं करगिल के शहीदों पे कविता पढ़ देता हूँ, उससे पहले छोटा सा हिस्सा जो मैं पढ़ रहा भी नहीं भरता है। मैं पढ़ रहा था, बहुत दिन से पढ़ रहा था। यूं तो मैंने काफी उकसाया मोदी जी को, काफी उकसाया। मैं बहुत गुस्से में भी कविता लिखता था, बहुत गुस्से में। उरी में हमारे 17 सैनिक मर गए थे और 8 दिन तक मोदी जी ने फोन सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी। हाँ वही सुना। आप जानते हो 8वें दिन क्योंकि क्योंकि मैंने सिर्फ 2 लाइन ही लिखी थी। 2 लाइन ही लिखी थी मैंने, आप विश्वास कीजिए। मुझसे पूछा गया आप ऐसा लिख बोले क्या, मैंने कहा अभी तो 2 लाइन ही बोलूं, कुछ करो वरना पूरी कविता लिख दूंगा। मैं किस हद तक गुस्से में था आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 2 लाइन सुना रहा हूँ, मेरे क्रोध की सीमा देखिए। मैं किस हद तक देश को कितना प्यार करता हूँ, मैं किस हद तक क्रोध कर सकता हूँ उनके प्रति जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिनके लाने जिनके आने से मुझे जीवन की बड़ी खुशी मिली। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि एक एक तपस्वी आदमी, तपस्वी विजय किसी की नहीं, विजय ये सिर्फ नमो के यश की है। और ध्यान देना, और पराजय केवल सेना के अपयश की है। चौकीदार चोर है वाला नारा तुमको ले डूबा, जो कुछ बाकी बच जाता उसको ले गई महबूबा। चलो मैं इसी कविता एक क्वेश्चन सुना देता हूँ क्या ये? लेकिन मैं करगिल जरूर पढ़ूंगा, 2 मिनट की कविता है, उससे पहले कुछ और पढ़ दूं तो एक बार ताली बजाओ जोर से। मैं कविताएं सुनाना जी, उनसे मेरा परिचय नहीं समझ जाओ तो बोल सकता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ आप समझते हैं कि नहीं समझते। ये लखनऊ की समझ का मैं सीधे नहीं बोलता, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आप समझे कि नहीं समझे। मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ। कभी कभी कोई 22 साल बाद भी बदला लेता है। समझ गए? और ये तो समझ गए, समझ गए। अभी कम समझे। चलो कोई नहीं, हम तो अखिलेश जी के प्रशंसक हैं, क्योंकि जैसे हमारे चौधरी चरण सिंह की औलाद निकली, मुलायम सिंह जी की भी ऐसी निकली। तो वही बहुत डांट चाट वाले बंदे तो मारने को तैयार रहते। ये क्यों नहीं डरता वो पड़ोसी? मैं तो 5 साल भी चल रहा है कि आपसे भी डरा, फिर कैसे डरेगा? इन्होंने भी अंत में डराया आके। ये पाकिस्तान समर्थन करना पूरा सदन, ये पाकिस्तानी कालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20-30 काटे होते। पहले से कर देगा, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन था खुददारी के आचरणों में, सेना का सम्मान पड़ा था चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? और जो मैंने जवाब लिखा है आपके दिल में वो ही हो तो आकाश भर तालियां उठा के बताना कि आप भी ऐसा ही सोचते हैं जैसा मैं सोचता हूँ। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा सैल्यूट, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो। ना फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई बिस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते
करते हैं। 10 साल का मौन काल याद करो, जब सिंहों की राज्यसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावण पिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो भारत माता जोश चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ मुझ में जोश ज्यादा कि आप में ज्यादा। रावण पिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इसराइल से जीना सीखो अपने ही बुलदंडों पर, इसराइल से जीना सीखो, जिंदाबाद इसराइल से जीना सीखो, इसराइल से जीना सीखो। अगली बात आने दो, अगली बात पे खड़ा करना चाहता हूँ मैं आपको, मैं सदन को देखना चाहता हूँ अगली बात पर आप कितना कितना साथ देते हैं मेरा। इसराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर, भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। 4 लाइन पढ़ता हूँ साहब, ये सिद्धांत नहीं है लेकिन अगर पानी सर से ऊपर से उतर जाए और हमारे बेटे रोज तिरंगे में लिपट कर आने लगे तो ये भी बोलने की मजबूरी है, ये भी बोलने की मजबूरी। आपको लगे कि ये बोलने का समय तब ये दुखी मन ये बोलने का करता है जब रोज हमारा बेटा कोई ना कोई तिरंगे में लिपट कर लौटता हुआ दिखाई देता है, तब सुनना। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में, फूल मन के कभी नहीं खिलते कायर पर माटी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में, दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। वेद प्रकाश, हमारे कुछ मित्रों को मेरा जमना उसी तरह पसंद नहीं आता जिस तरह मोदी का जीतना। वो मानते थे कि नहीं, मेरे सारे मित्रों से बहस होती थी, बोले नहीं नहीं 200 से नीचे। मैं करते रहो तुम, इस देश में समाजवाद के नारे लगे, समाजवाद माने गरीब को हेल्प करना, नारे लगते रहे, वामपंथी नारे लगाता रहा, फैशन में नारे लगते रहे। देश का पहला प्रधानमंत्री है जो 5 साल में 15 करोड़ गरीबों के घर में कुछ ना कुछ मदद लेके घुस गया, घरों में घुस गया। जितने बड़े बेनिफिशियरी हैं मोदी जी की सरकार के, उससे ज्यादा कोई कॉस्ट कास्ट हिंदुस्तान में नहीं है, किसी जाति के इतने लोग नहीं है जितने मोदी से लाभ पाने वाले गरीब लोग हिंदुस्तान में हैं इस समय, जिनको उसने लाभ पहुंचाया। क्या लड़ेंगे उससे आप, क्या लड़ेंगे? कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से, घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संघारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती थी दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती थी दिल्ली। वाह, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है संविधान को ठुकराता पर रोना मैंने रोके लिखी है, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है संविधान को ठुकराता पर दिखाई देता है, वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी भाग मनाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। और साहब देखो कि मैं डरता नहीं, उसका सबूत भी दे रहा हूँ, कल सरकार बनेगी, आज वो नेता चुन लिए गए लेकिन उरी में जब उन्होंने 8 दिन तक सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला नहीं किया था, मैं कितने गुस्से में आ गया था, मैं 2 लाइन सुनाता हूँ, मैं किस हद तक गुस्से में आ गया था। मैं जनता से अनुरोध करता हूँ, आपको लगे कवि को हक है वो देश को प्यार करे तो इतना गुस्सा भी करे, मेरे गुस्से पर मोहर लगाना, और मोहर ऐसी लगाना मैं कभी ना भूलूं कि लखनऊ वालों ने कैसे तालियां बजाई थी। हम जिंदा, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्तावद के अहंकार में बैठे थे, शायद तुम भी सत्तावद के अहंकार में बैठे थे, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे थे? वाह 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 वाह। क्या 17 मंत्री बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर बैठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे, दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर, दुनिया को एहसास कराया हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर पत्थर से दे सकते हैं, हमने वक्त बदलना सीखा डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का, दुनिया को एहसास कराया। वाह 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 वाह।
दुनिया को एहसास कराया। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं। जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पंक्ति पढ़ रहा हूं। भगवान राम है हमारे देवता, होंगे मैंने नहीं देखे। भगवान कृष्ण है हमारे देवता, होंगे मैंने नहीं देखे। मैंने जो अपने देवता देखे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं। मेरे देवता हैं जो मेरी रक्षा करते हैं, वो लोग जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं, दुश्मन को मेरे यहां तक आने नहीं देंगे, वो मेरे देवता हैं। वाह 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 वाह। और सुरेश अवस्थी जी, आप दैनिक जागरण के एम्बेसडर हैं, साहित्य एम्बेसडर हैं। आपने एक अलग जगाया, साहित्य के लिए इतना काम किया। दैनिक जागरण का हम सारा कवि कुल आभारी है कि दैनिक जागरण ने हिंदी कविता के संस्कार जीने के लिए देश में लगभग 75 से 100 कवि सम्मेलन दैनिक जागरण करता है। संसार की कोई संस्था इतने साहित्यिक समारोह दुनिया में नहीं करती जितना अकेला दैनिक जागरण करता है। मैं एक निवेदन करके जा रहा हूं, दैनिक जागरण चाहे तो छापे। आपको कहीं भी वर्दी में जाता हुआ कोई सिपाही, कोई भी फौजी अफसर, नेवी का हो, आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, हवाई अड्डे पर दिखे तो, रेलवे स्टेशन पर दिखे तो, बस अड्डे पर दिखे तो, उसके सम्मान में खड़े होकर एक बार ताली बजाना। कहीं भी जिसको सैनिक दिखे उसको लगे कि देश उसके पीछे खड़ा हुआ है, देश उसके पीछे खड़ा हुआ है, देश। और एक बहुत दीक्षित जी चले गए, मैंने नेताओं पर सबसे कठोर पंक्ति लिखी है और मैं पढ़ा लिखा कवि हूं, इस प्रियांशु की तरह नहीं हूं। नहीं, आप आश्चर्य करेंगे, जब मैंने एलएलडी की ना तो मुझे कहा भाई सब क्या किया मैंने एलएलडी, तो मुझसे बोला आप बीएड नहीं कर सकते थे। मुझे उस दिन पता चला बिहार में ये टॉप करके आया है, टॉप करके आया है। मैंने इतनी चालाकी से पंक्ति लिखी कि या तो नेता की समझ में नहीं आए, और समझ में आ जाए तो इतनी देर में आए कि मैं वहां से निकल लूं। दिल पर हाथ रखकर सुनना इससे सख्त बात नेताओं के लिए कोई कह सकता है क्या? मैं कह रहा हूं, सुनिएगा। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, मेरी समझदारी को दाद दे देना। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगों को, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने हैं, आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सिंहासन के माने हैं ये सिंघा का, सिंहासन के माने हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूरतर संकल्पों का अनुशासन हो, राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा दब्बू हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। अंतिम पंक्तियां सुनना, राजा दब्बू हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सब अरब की ताकत है, कोई हम पर हाथ उठा ले किसकी भला हिमाकत है, कोई हम पर हाथ उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो, अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कुर्सी उठा दो, कुर्सी माला पहनाने की इतनी बड़ी इच्छा थी तो ब्याह क्यों नहीं कर लिया था। सारी कविताओं से बच जाए।